चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आई क्यों हो गया टप्पू? देखा जेठालाल, देखा तुमने? अभी अभी शॉट भी उसी ने मारा है और बैट भी उसी के हाथ में है। सॉरी भिड़े अंकल। अरे कितनी बार सॉरी बोलोगे तुम? या भाई भिड़े, तुमको क्या सीजन बॉल लगा है? टेनिस बॉल लगा है ना? अरे भाई तो क्या छुई मुई गुड़िया है कि लग गया इतना तेरे को? जेठालाल। अरे क्या जेठालाल भाई, बच्चे रोज क्रिकेट खेलेंगे, रोज शॉट मारेंगे, रोज तुमको लगेगा, तो तुम क्या रोज शिकायत करने आओगे? तुम कहना क्या चाहते हो जेठालाल? ये टप्पू रोज ऐसे शॉट मारेगा और रोज दादर का मिसल मेरे ऊपर गिरेगा? ओह तो एक काम कर भाई, और दुकान के बाहर शटर होता है ना, वैसे अपने बालकनी में एक शटर लगा ले। अरे लेकिन मैं क्यों बालकनी में शटर लगाऊं? तो अपने मुंह पे शटर लगा भाई। अरे अरे क्या यार, तुम लोग फिर से शुरू हो गए? अरे ये देखो ना मेहता साहब। अरे क्या देखो, तुम टप्पू को बोलो ना आहिस्ता खेले करके। अरे भाई तुम देखो तो सही, कौन सा गेम खेल रहे? क्या कैरम खेल रहे, चेस खेल रहे, सांप सीढ़ी खेल रहे, नहीं क्रिकेट खेल रहे? और क्रिकेट में क्या होता है भिड़े? जेठालाल क्रिकेट क्या होता है वो मुझे मत समझाओ, समझे ना तुम? मैं मुंबई का हूँ, मुंबई का, अच्छी तरह जानता हूँ क्रिकेट क्या होता है। अरे हमारे जमाने में जब क्रिकेट खेलता ना तो अच्छे अच्छों को पसीना छूट जाता था। अरे कोई मुझे क्रिकेट खेलने के लिए बुलाता ही नहीं था। अच्छा इतना बेकार खेलता था तो? अरे सोड़ी, बुलाता नहीं था मतलब इतना अच्छा बैटिंग करता था मैं कि कोई मुझे आउट ही नहीं कर सकता था। अच्छा इतना अच्छा बैटिंग करता था? हाँ? तो एक ओवर में ज्यादा से ज्यादा कितना रन बनाया तूने? अरे मैंने एक ही ओवर में 50 रन मारा है, 50। 50? 50 रन? ओह जेठालाल ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, क्योंकि एक ओवर में 6 बॉल होती है और 6 छक्के भी लगा दो तो 36 रन होते हैं। हाँ वो मुझे मालूम है मेहता साहब, लेकिन 2 9 बॉल थे तो उसके ऊपर भी मैंने छक्का मारा। देखा मेहता साहब, पकड़ा गया ना, पकड़ा गया ना। अगर 2 9 बॉल थे तो भी 12 रन होते, तो 36 और 12 48 होते, 50 नहीं होते, तो 2 रन कहां से आ गए? अरे हाँ यार। अरे तो 2 9 बॉल का 2 रन कौन गिनेगा? अरे भाई वो तो टीम का रन होता है, तुम्हारे खाते में कहां से आ गए वो? अरे भाई क्रिकेट गेम पूरा टीम का ही है। वो मुझे पता है जेठाला, लेकिन उसी टीम के लिए क्रिकेट में कुछ नियम बनाए गए। अच्छा अच्छा अच्छा, आप दोनों क्रिकेट के बहुत बड़े महारथी हैं, पता चल गया, दोनों को नियमों का बहुत ज्ञान है। लेकिन क्या है कि ये बातचीत करने से कुछ नहीं होगा, ये जबानी जमाबंदी कहां तक चलेगी? तुम दोनों क्रिकेट का मैच का मुकाबला क्यों नहीं कर लेते? हाँ ये बात सही है। चलो मैं तैयार हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, चलो कल मैच रखते हैं, बोल बेटा क्या बोलता है? हाँ हाँ मुझे मंजूर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल अचार पापड़ की बड़ी डिलीवरी करने जा रहा है ना आपको? हाँ हाँ नहीं नहीं कल थोड़ा प्रॉब्लम है। क्यों कल क्या हुआ? नहीं थोड़ा मुझे वो अर्जेंट डिलीवरी, पर्सनल काम है मुझे। वैसे एक बात ठीक भी यार, एकदम से ऐसे मैच थोड़ी होता है। तुम दोनों पहले अपनी अपनी टीम्स बनाओ और उसके बाद जम के प्रैक्टिस करो, और तैयारी करने के बाद हफ्ते भर बाद सैटरडे को नाइट मैच रख देते हैं। बोलो ठीक है, मंजूर है मुझे, अगले शनिवार को चलो ना। मंजूर है भाई अगले शनिवार को? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, लग गई शरत फिर 10-10 हजार की। अरे नहीं 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 जेठा, देखो इसमें यार पैसे वैसे को बीच में मत लाओ। हाँ। कुछ ऐसा करो ना जिससे सोसाइटी का भी फायदा हो, मसलन जो हारने वाला हो उस टीम का कैप्टन कुछ गार्डन में जो लैंप्स वैम्स है वो लगवा दे, ऐसा कुछ करो। हाँ। मेरे पास एक सजेशन है, हारने वाला कैप्टन हमारी सोसाइटी का कंपाउंड साफ करेगा, क्यों? वाह पिताजी वाह,
क्या आप बोले, बहुत बढ़िया, वाह वाह, ये बराबर है। हाँ तो भाई चलो, ये तेरा जो हारेगा वो पूरी सोसाइटी का कचरा साफ करेगा, मंजूर है भीड़े? हाँ बिल्कुल मंजूर है। हाँ तो लाओ भाई झाड़ू, लाओ भीड़े को दो, सब साफ करेगा। ए भाई ए, जो हारेगा वो साफ करेगा, पहले खेलो तो सही। चलो ऐसा रखते हैं। अरे चलो भाई, कौन सफाई करेगा गोकुल धाम का ये तो वक्त तय कर लेगा, ठीक है। लेकिन इस गोकुल धाम सोसाइटी में जेठलाल गड़ा और आत्माराम भिड़े दोनों के बीच में क्रिकेट का शानदार मुकाबला होने वाला है, ठीक है। तो फिर शुरू करो तैयारी।